कभी सोचा नहीं था यार कि इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगे। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये वर्ड्स कितने कॉमन हो गए ना हमारी लाइफ में। एक तारीख को सैलरी आती है तो रेंट पे करने में, ईएमआई पे करने में, बिल्स पे करने में 10 तारीख तक अकाउंट खाली हो जाता है यार। लोग अक्सर कहते हैं ना यार कि एक लड़के की जिंदगी क्या ही होती है, मैं आपको बताता हूं। सुनो, वो जो लड़का तुम्हें चमन, चोमू, शर्मीला सा लगता है ना, पता है उसके नाम का ना हर जगह डंका बजता है। बस वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारे आगे वो शर्मा जाता है, तुम्हारे आगे कुछ बोल नहीं पाता है। मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं जो जाट हैं, गुजर हैं, जिनकी ना मतलब अकड़ ही उनकी पहचान है। सुनो, मैंने ना उन्हें भी एक लड़की से आप करके बात करते देखा है। वो जिनकी आवाज, जिनकी वो आवाज में जो बुलंदी है ना, जिनकी वो पहचान है। सुनो, मैंने एक लड़की से बात करते हुए ना उनकी आवाज में भी नरमी देखी है। अक्सर यार जब दिल टूटता है, मतलब लव रिजेक्शन होता है, या फिर जॉब रिजेक्शन होता है, या फिर जो हॉस्टल वगैरह में दारू पार्टीज वगैरह होती हैं, उसके बाद ना मैंने ना लड़कों को बिलख बिलख कर रोते देखा है यार। उसे नहीं पता चलता कि कब ना यार वो भैया से अंकल बन जाता है, उसे नहीं पता चलता यार। यार कोई ना लड़कों की ना मेंटल स्टेट की तो बात ही नहीं करता यार। सबको यार बस एक्सपेक्टेशन, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो भाई बहन हो, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस। कितने ऐसे लोग हैं यार, कितनी ऐसी लड़कियां हैं यार जो फेलियर में हाथ पकड़ के खड़ा होती हैं, जो कहती हैं कि सुनना तू चल मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। कितनी ऐसी लड़कियां तुम भी साथ छोड़ देती हो ना यार, कहां साथ देती हो, कह देती हो ना यार कि 7-8 साल के रिलेशन के बाद जब लगता है कि लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है, कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तुम भी तो बोल देती हो ना यार। तुम्हें पता है तुमने बहुत आसानी से कह दिया था, वो जो सीमा का हस्बैंड है ना रोहित, उसने उसे इस बार 75,000 की एक डायमंड रिंग गिफ्ट की है। पता है वो उसी दिन से ना वो 80,000 की रिंग के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। कितने ऐसे मैंने लड़कों को देखा है यार, जब वो कमाना शुरू करते हैं ना तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, LIC में अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। उनसे जब मैंने पूछा ना यार ऐसा क्यों करते हो, फ्यूचर की सेविंग्स के लिए। यार क्यों हम अपने प्रेजेंट की बात ही नहीं करते हैं, कि हम अपने प्रेजेंट में क्यों नहीं जी रहे हैं, हमें ना हमेशा सिर्फ फ्यूचर का रहता है। सुनो, एक ना लड़की को ना बचपन से ना उसको सिखाया जाता है कि सुनो तुम्हारी जिम्मेदारियां ये हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। पता है एक लड़के को उसको कभी जिम्मेदारियां उसको सिखाई नहीं जाती, उसको जो जिम्मेदारियां हैं ना वो जिंदगी सिखाती है। और उसे कभी पता भी नहीं चलता कि कैसे उसका जो बचपना है ना यार, वो देखते देखते जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगता है। नहीं करता यार कोई हमारी मेंटल स्टेट की बात, सबको सिर्फ ये रहता है कि कितना कमा लेगा, कैसे कैसे कमा लेगा, किसी को पता ही नहीं है यार। नहीं मांगे जाते यार 24-25 साल की उम्र के बाद घर वालों से पैसे, नहीं मांगे जाते यार। नहीं कमा पा रहे, नहीं लग रही यार अच्छी नौकरी, ठीक है यार एवरेज है यार, नहीं कर पा रहे अच्छी नौकरी। तुम भी तो यार 7-8 साल का रिलेशन जो फॉरएवर वाला था उसके बाद कह देती हो ना कि जब अच्छी नौकरी नहीं है तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या करें यार एवरेज है, नहीं कर पा रहे यार। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं है यार कि जो कोशिश नहीं करता एक अच्छी नौकरी के लिए, सब मेहनत करते हैं यार, कहने कहने की बात है, पर नहीं लग पा रही तो क्या करें यार, क्या जीना छोड़ दें, क्या हमारी जिंदगी नहीं है, क्यों यार तुम, अगर ठीक है तुम्हारे बाप के पास अगर होंडा सिटी है, अगर बड़ी गाड़ी है, तो क्या यार अगर तुम्हें प्यार है तो क्या यार तुम एडजस्ट नहीं कर सकती ऑल्टो में, नहीं कर सकती क्या बाइक पे, तुम तो कहती हो कि प्यार है, तो यार प्यार में ये नौकरी और पैसे कब से आने लगे, तुम्हें पता है। कितने ऐसे लड़के हैं ना यार कि जो नहीं कर पाते हैं ना जब लाइफ में, मतलब बड़ा जो वो सपने देखते हैं,
तो वो ना अपने सपनों का गला घोट के ना 10 से 15 हज़ार की नौकरी करते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो ना मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन एवरेज है यार। नहीं नहीं मतलब दिमाग तेज चलता है यार कि UPSC निकल जाए, कि कोई बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाए। अपने हर एक सपनों का गला घोट के जब थक जाते हैं ना तो कॉल सेंटर में 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। और पता है हमें पता है कि बहुत एवरेज हैं, और एवरेज होते हुए भी ना जो भी सिचुएशंस है ना उसे बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो समाज के ताने हो, चाहे वो दुनिया के लोग बोल रहे हों, दिल टूटा हो, घर वालों के ताने हो, उन सबको बर्दाश्त करके भी ना हम लोग यार मुस्कुराना नहीं भूलते। शुक्रिया।